हेलो दोस्तों, वेलकम टू सटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सटेक पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले नई भर्ती के संबंध में। बहुत समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई भर्ती के संबंध में घोषणा की गई है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अब लगभग 10 लाख वैकेंसी की जाएंगी, जो कि यहाँ पर है 1 से 1.5 साल के बीच में यहाँ पर लगभग 10 लाख भर्तियाँ की जाएंगी जो सभी विभागों में होंगी। ये भर्तियाँ होंगी वो सभी राज्यों से मिला के होंगी, ना कि केवल एक राज्य से। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है किस क्षेत्र में आएंगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो है उसके बारे में तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर जो है जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है कि सभी विभाग में जो है जो टीचिंग विभाग हैं उसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग फैकल्टी सभी यहाँ पर जो है रिक्त पदों का ब्यौरा मांग रही है और यहाँ पर जो है उन पर भर्ती करने के लिए मंजूरी दी गई है। ये दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर जो है ट्वीट करके जानकारी दी गई थी। यहाँ पर जो पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्ट दैट रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बी डन बाई गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट 1 to 5 ईयर। यानी यहाँ पर जो है 1.5 साल के अंदर लगभग 1.5 लाख वैकेंसी, जो कि 10 लाख वैकेंसी की जाएंगी, ऐसी जानकारी यहाँ पर जो पीएम ऑफिस से दी गई है ट्विटर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी एक जानकारी है और यहाँ पर जो बड़ी खुशखबरी है, जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अब माननीय मंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी द्वारा भी यहाँ पर जो इस पर जानकारी दी गई है कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख वैकेंसी की जाएंगी। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है अब जो है विभाग और जो अपने अपने विभाग के आला अधिकारी हैं और जो अपने अपने विभाग के जो मंत्री हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि माननीय प्रधानमंत्री के मिशन मोड के तहत यहाँ पर जो 10 लाख भर्तियों का यहाँ पर जो है ब्यौरा मांगा गया और यहाँ पर जो भर्ती करने का जो निर्देश दिए गए उसके संबंध में यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा गया है अकाउंटेबिलिटी पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट एंड मीटिंग टारगेट्स बिफोर डेडलाइन इज ए हॉलमार्क ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स। ऑल वैकेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन HEL केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय एंड डिपार्टमेंट विल बी फिल अप एट द अर्लीस्ट। यानी यहाँ पर जो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों पर यहाँ पर जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है अगले 1.5 साल में ये वैकेंसी पूरी की जाएँ, तो यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द इन भर्तियों को भरा जाए। ठीक है, तो अब सरकार एक्टिव मोड में है, अब सरकार जो है चुनावी मोड में, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसलिए सरकार यहाँ पर अब चुनावी मोड में है। इसलिए जो इस बार मुद्दा बना था यूपी विधानसभा चुनाव में, वो सबसे बड़ा मुद्दा था विपक्ष द्वारा, वो था भर्ती के संबंध में। इसलिए यहाँ पर जो सरकार अब नहीं चाहेगी किसी प्रकार का कुछ भी मुद्दा बचा रहे, इसलिए यहाँ पर जो है सरकार ने अब अपना आगे का प्लान बना रखा है और यहाँ पर जो है सरकार अब चुनावी मोड में पहुँच गई है। वहीं एक अपडेट और है जो कि है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर लिखा गया है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2022 यूपी पुलिस में चयन बोर्ड से होगी 40,000 पदों पर भर्ती, कैबिनेट से मंजूरी। ठीक है, लखनऊ प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है क्योंकि जल्द ही पुलिस विभाग में 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, इसके लिए यूपी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यानी यहाँ पर जो आज जो कैबिनेट मंत्री मीटिंग थी उसमें यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस के बारे में जानकारी दी गई है। यानी आज जो मीटिंग थी कैबिनेट मीटिंग उसमें यहाँ पर जो जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो है जो 40,000 पदों पर भर्ती होने वाली है उसकी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की। ठीक है, साथ ही तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है, इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव द्वारा दी गई है। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृत सहित विभिन्न विभागों के 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब यहाँ पर जो है अब सिर्फ और सिर्फ चयन बोर्ड द्वारा यहाँ पर जो है विज्ञापन निकाला जाना है, जो कि यहाँ पर संभावना है कि इसी महीने के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में निकलने की प्रबल संभावना, जैसे कि यहाँ पर जो पहले जानकारी दी गई थी कि इसी महीने के लास्ट तक यहाँ पर जो है इसका विज्ञापन निकला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है तो अब इस पर कुछ बचा नहीं है क्योंकि अध्यक्ष पहले से मिल चुका है बोर्ड को, इसलिए यहाँ पर अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसका जो विज्ञापन है वो लगभग इसी महीने के लास्ट में विज्ञापन निकलने की संभावना, जो कि यहाँ पर पुलिस विभाग में लगभग 26,000 प्लस पदों पर होगी और यहाँ पर जो है
जो आरक्षी नागरिक पुलिस का हो गया और इसके बाद जो पीएससी के लिए वो लगभग यहाँ पर जो है 8,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसलिए कुल मिलाकर लगभग यहाँ पर जो है 40,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो इसी महीने के लास्ट या फिर जो है अगले महीने के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में जारी होने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं अगर 69 शिक्षक भर्ती के 800 लिस्ट को लेकर, दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि इस पर भी विभाग कार्य कर रहा है और जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में यहाँ पर जो इस पर भी विभाग द्वारा कुछ अपडेट दी जा सकती है। यानी यहाँ पर जो विभाग द्वारा चाहे वो किसी माध्यम से, चाहे वो कोर्ट के बाहर या कोर्ट के द्वारा इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि अब ये जो भर्ती है ये भर्ती प्रायोरिटी और एजेंडा है और सबसे पहले ये भर्ती होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो विभाग जो है अब इस पर कार्य कर रहा है और जैसा कि कल जानकारी मिली थी कि आप लोग परेशान ना हो, आपके बारे में विभाग सोच रहा है और जल्द ही आपको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, 800 वालों को भी नियुक्ति मिलेगी और जो नई भर्तियाँ हैं वो भी इसी साल आने की प्रबल संभावना है और वैकेंसी जो है काफ़ी आएगी, क्योंकि सरकार जो है अब एक्टिव हो गई है और चुनावी मोड में यहाँ पर जो पहुँच गई है, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था यूपी विधानसभा का वो काफ़ी भर्तियों में विपक्ष द्वारा गिराया गया था। इसलिए यहाँ पर अब सरकार नहीं चाहेगी किसी भी कार्य कुछ भी कमी रह जाए, इसलिए सरकार जो है अब घोषणा कर रही है और इसका जो विज्ञापन है सभी जो है इसी महीने के लास्ट या फिर जो अगले महीने से निकलना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट अब तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सटिंग।